चुनाव आयोग ने किया हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, इस दिन होंगे मतदान। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार यानी 14 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक चरण में चुनाव होगा, 12 नवम्बर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। चुनाव के लिए अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और 29 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग सही तरीके से चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, इलेक्शन फेयर और सही तरीके से करवाने का प्रयास करेंगे। कोविड की स्थिति अब बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन एहतियाती कदम जारी रखेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होने की उम्मीद है, क्योंकि जब से हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित 3 बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, तब से आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश से अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और गुजरात में अपना पूरा जोर दिखा दिया है। अब बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने वोटर हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। कुछ मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से PW कर्मचारी द्वारा किया जाना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की 68 सीटों में से 17 सीटें SC वर्ग हैं और 3 सीटें ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। हिमाचल में 55.07 लाख वोटर हैं, इनमें 27,80,000 पुरुष और 27,27,000 महिलाएं हैं। वहीं चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए खास इंतजाम भी किए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि 80 साल से ज्यादा की उम्र के लोग, दिव्यांग या कोरोना संक्रमित अगर बूथ पर नहीं आ पाते तो उनके घर जाकर वोट लिए जाएंगे। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के चुनावी समीकरण की, तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। राज्य में फिलहाल BJP की सरकार है। BJP को सत्ता में बरकरार रखने के लिए PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस भी चुनावी तैयारी में जुटी हुई है और आज से प्रियंका वाड्रा भी कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश के चुनावी रण में उतर चुकी हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और भाजपा या आप में से कौन सी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सफल हो पाती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े देशहित न्यूज के साथ। धन्यवाद।